आज हम शेयर करने लगे हैं आपके साथ गर्मियों की खास रेसिपी। आज हम बनाएंगे चार चीज़ों से बिना गैस जलाए कुल्फी। ठंडी ठंडी कुल्फी अपनी झटपट से बन के तैयार होगी। दो हम ब्रेड ले लेंगे, अपनी मिक्सी के जार में तोड़ के डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया ठंडी ठंडी रबड़ी की जैसी कुल्फी बन के तैयार होगी। ना कोई गैस जलाने का झंझट, ना कोई मिल्क मैड का, ना कोई क्रीम का, ऐसी झटपट से बनाएं। हम डाल देंगे एक गिलास यहाँ पे दूध का, हमारा फुल फैट दूध है, मलाई साथ में है। हमने अपना मलाई वाला दूध लिया है, बढ़िया। साथ ही डाल देंगे हम 4 से 5 चम्मच अपने चीनी के। मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, वैसे तो कुल्फी में मीठा ही अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी कुल्फी मीठा अच्छा हो तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ग्राइंड कर लें, हमने पीस के तैयार कर लिया। अपना इतना ही पीस है, अपना ब्रेड अच्छे से पीस जाए, अपनी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, ज़्यादा नहीं पीसना। ज़्यादा पीसोगे तो फिर अपने मलाई का मक्खन बन जाएगा, वो लेके निकाल लेंगे। हमने अपने बादाम और काजू 2 चम्मच के करीब हैं कूट के ले लिए, दरदरे से करके डाल लें। जब आप कुल्फी खाएंगे बादाम साथ में आएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। साथ ही डाल दें अपना थोड़ा सा इलायची पाउडर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, खुशबू भी आएगी। अच्छे से मिला लें, ना कोई गैस जलाने का झंझट, ना कोई क्रीम, ना कोई मिल्क मैड, ऐसे ही बहुत ही बढ़िया टेस्टी कुल्फी बन जाती है। हम अपनी कुल्फी जमाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम पेपर कप ले लेंगे, आप कोई भी ले सकते हो घर का गिलास कटोरी, हम ऐसी छोटी गिलास ले लेंगे, स्टील की कांच की जो भी आपके पास हो उसमें ही आप बना के तैयार कर सकते हो। ऐसे अपने गिलास में डाल लें, देखने में लगती है ऐसी हमारी गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी बन के तैयार है। ऐसे अपना सिल्वर पेपर लगाएं, आपके पास सिल्वर पेपर नहीं है तो आप कोई पोलोथीन कट करके ले लें, वो भी लगा सकते हो। आप ऐसे अच्छे से कवर करें, आप क्लीन नैप से कवर करें, चाहे सिल्वर पेपर से हल्का सा कट लगाएं। ऐसे अपनी स्टिक लगाएं, आपके पास ऐसी स्टिक नहीं है तो आप खाने वाला चम्मच भी लगा सकते हो, ऐसे डंडी की साइड से लगाएं। हम अपनी कुल्फी के ऐसे ही पूरी रात के लिए फ्रीजर में छोड़ देंगे, सुबह ही आपको दिखाएंगे। हमने अपनी कुल्फी फ्रीज से निकाल के ले ली, हमने पूरी रात के लिए छोड़ दिया था, आप 2 से 4 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो अपने फ्रीज में, अच्छे से जम जाएगी तो निकाल ले। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी हमारी कुल्फी अच्छे से जम के तैयार है, आप ऐसे निकाल सकते हो। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, परफेक्ट जमी है हमारी कुल्फी। ऐसे अपनी कुल्फी निकाल लें, पेपर कप से तो ऐसे ही निकल जाती है, स्टील की या कंच की गिलासी लेंगे अपनी तो ऐसे पानी में ही लाएं, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। काजू बादाम से हमारे इलायची के पाउडर से कितनी बढ़िया लेयर बनी है, देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी। ऐसे निकाल लें, आप अपने पेपर कप को फाड़ना नहीं चाहते तो आप इसे 2 सेकंड के लिए ऐसे पानी में हिलाएं, ऐसे निकाल लें। आप देख सकते हो बिना गैस जलाए झटपट से बिल्कुल कम सामान में ऐसे अपने बच्चों को कुल्फी बना के खिलाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी टेस्टी रेसिपी लेके आती रहेंगे।